हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नशिका, आज फ्रॉम हियर विद अ न्यू वीडियो। सो आज के मेरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मेरा सॉन्ग कवर वाले वीडियो होते हैं वो मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे एडिट करती हूँ। सो एडिटिंग ऐप है इनशॉट, मैं अपने वीडियो इनशॉट से और वीटा से एडिट करती हूँ। और जैसे मेरे रिएक्शन वीडियो होते हैं तो उनमें जो साइड में वीडियो डालना पड़ता है वो हम स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके उससे करती हूँ। तो ये जो तीन ऐप है वो मेरे को एडिटिंग में काम आते हैं, इनशॉट, वीटा और स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मेरे जो सॉन्ग कवर होते हैं उसके लिए मैंने अपने वीडियो के लिए एक अजीब सी नोटबुक मंगा रखी है जिसमें यहाँ पे सॉन्ग कवर लिख रखा है। तो इसको खोलते हैं तो यहाँ पे सारे गाने आ जाते हैं जिन जिनको जिन गानों को मुझे वीडियो बनाना है। और जैसे ही वो गाना कंप्लीट हो जाता है तो उस पर एक टिक आ जाता है। जैसे मैंने कल लिली वाला गाना बनाया था तो यहाँ पर उस पर मैंने कल एक टिक लगा दिया था। जब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो मैं एक टिक लगा देती हूँ और एडिट और पोस्ट करने के बाद में उस पर दूसरा टिक भी लग जाता है कि गाना एडिट भी कर दिया और पोस्ट भी कर दिया। उसके बाद में जो दूसरा गाना है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, जिसमें से मुझे जो गाना अच्छा लगता है फिर मैं उस गाने को गाती हूँ और एडिट करती हूँ। तो पहले हम आज जो है गाने की लिरिक्स लिखेंगे। लिरिक्स लिखने के लिए एक अलग से कॉपी है। सो ये है वो मेरी कॉपी जिसमें हम लिरिक्स लिखते हैं। और फिर जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो ये मेरे सामने खुली हुई होती है। तो अभी तक तो ये आधी से भी ज़्यादा भर चुकी है। तो आज हम जिस गाने के लिरिक्स लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे हवाना लिख रखा है, लेकिन हवाना शायद थोड़ा सा हार्ड होगा। तो इस वीडियो के लिए एक बार मैं जो गाना लूँगी वो लिली की ही आपको वापस से बता दूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये लिरिक्स लिख रखी है, लिरिक्स है वो 2.5 पेज पे आई हुई है। सो ये जो लिरिक्स है ये यहाँ पे है। और जो मेरा टैबलेट है उसमें रिकॉर्डिंग करती हूँ मैं, रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डर से। ये जो साउंड रिकॉर्डर होता है इस पर क्लिक किया और यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। इसमें मैं ईयरफोन लगाती हूँ ताकि जो ईयरफोन मैं आपको ला के दिखाती हूँ कैसे लगता है। तो जैसे ये ईयरफोन है तो ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और फिर जब हम गाते हैं ना तो इसको मुंह से एकदम पास में नहीं रखना वरना बहुत गंदी आवाज़ आएगी। यहाँ पे रख के, पहले जो मैं वीडियो बनाती थी मैं ईयरफोन नहीं लगाती थी इसलिए मेरी आवाज़ बहुत धीरे धीरे आती थी। तब मैं इसको ऐसे करके लगा के करती हूँ तो ठीक ही आती है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी आवाज़ गाना गाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। और ये जो जियो वाला छोटा वाला फ़ोन है इसमें हम यूट्यूब खोलेंगे। पहले इसको चालू करेंगे फिर इसमें यूट्यूब खोलेंगे। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है जिस गाने को आपको गाना है उस गाने का इंस्ट्रूमेंटल जो है वो लिरिक्स के साथ में आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च बटन पे गए, सर्च बटन पे जाएंगे, इसको होल्ड करके रखते हैं ना, तो मेरे को लिली गाना है तो मैं सर्च करूँगी लिली सॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल विथ लिरिक्स। तो मैंने कल वीडियो बनाया था तो ये देखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला मैंने इंस्ट्रूमेंटल यूज़ किया था। मैंने उस वीडियो में लिंक भी दिया था, अगर आपको भी यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे, इस पर क्लिक करके इसकी वॉल्यूम बढ़ा लेंगे,
और फिर जब गाना पूरा हो जाए तो रिकॉर्डिंग को यहाँ से बंद कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद में एडिटिंग वाला काम शुरू हो जाता है। तो इस गाने के लिरिक्स याद करने में मुझे पहले एक दिन, पूरे दिन नहीं करती मैं, थोड़े थोड़े दिन, मतलब 2-3 दिन लगा के करती हूँ। और लिरिक्स ईजी हो जाती है तो उसी टाइम लिख के उसको 1-2 बार पढ़ती हूँ, नहीं याद होता तो और पढ़ती हूँ। और जो जो स्पेलिंग मतलब मेरे से नहीं पढ़ी जा रही उसको मैं उस गाने में सुनती हूँ और फिर सही करती हूँ। और फिर भी गलत हो जाता है तो कमेंट करके बता दिया करो, मैं और सुधारने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद में ये ऐसे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसके बाद में जो आगे का काम है वो आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरा गाना जो है वो सेव हो चुका है। उसके बाद में मैं यहाँ से जाऊँगी इन शॉट पे, इन शॉट पे जाने के बाद मैं न्यू वाले पे क्लिक करूँगी जिसमें मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी है। फिर मैं लूँगी एक फ़ोटो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ़ोटो ली है ये वाली। उसके बाद में आपको अगर इंस्टाग्राम के लिए एडिट करनी है तो आप उस पर जा सकते हैं, यूट्यूब के लिए एडिट करनी है तो इस पर जा सकते हैं। फिर ये जो वाली ये जो फ़ोटो है इसको मैं साइड में कर दूँगी, आपको दिखता होगा वीडियो में मेरी फ़ोटो लगी हुई रहती है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड पर जाऊँगी और इनमें से जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है कलर में, या फिर आपको अपनी गैलरी में से कोई बैकग्राउंड लगाना है तो आप गैलरी में से भी लगा सकते हो, वरना आप यहाँ पे जो कलर है उनका भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में जैसे अभी हमने जो रिकॉर्डिंग करी है वो 1 मिनट की है, तो इस फ़ोटो को मैं 1 मिनट तक लेके चली जाऊँगी, 1 मिनट और 22 सेकेंड की जो हमारी रिकॉर्डिंग है। ओके, उसके बाद मैं म्यूज़िक में जाऊँगी और ट्रैक पर क्लिक करूँगी, तो जो माई म्यूज़िक है उसमें आपको मेरी रिकॉर्डिंग दिख रही है। इस पर क्लिक करके इसके तो यहाँ पे हमने वो ले लिया है और उसके बाद में वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। तो आप एडिटिंग में जाके इसको जहाँ से आपको वॉल्यूम मतलब जो म्यूजिक है उसको कट करना है वहाँ से कट कर सकते हैं, और वॉल्यूम में जाके अपने हिसाब से आप वॉल्यूम जो है उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो लिरिक्स होती है और जो स्टिकर्स होते हैं, आपको इनशॉट ऐप में स्टिकर्स और सब कुछ मिल जाएंगे, जैसे लाइक का, फॉलो का, सब्सक्राइब का और शेयर का, ये सारे स्टिकर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जैसे इसमें लिरिक्स लिखनी होती है तो आपको बस इसमें टाइपिंग करनी है, जैसे यहाँ लिरिक्स लिखी। उसके बाद में आपको चूज़ कर लेना है कि आपको जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से चूज़ करना है कलर और सब, आपको पतला लिखना है मोटा लिखना है वो भी आप चूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर उसके बाद में आपको अगर इनमें से कोई भी चूज़ करना है वो कर सकते हैं, टेक्स्ट को बड़ा करना है, छोटा करना है, मीडियम रखना है। फिर ये जैसे ये किस तरीके से इसको लेकर आएंगे ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद में उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके सारे वीडियो में जहाँ पे आपको लिरिक्स लगानी है आप लिरिक्स लिख सकते हैं, और जहाँ पे आपको स्टिकर्स लगाने वहाँ स्टिकर्स लगा सकते हैं। उसके बाद में टिक पे क्लिक करें और आपका जब पूरा वीडियो जो एडिट हो जाएगा, अगर आपको फ़िल्टर डालना है वीडियो में तो आप फ़िल्टर भी डाल सकते हैं वीडियो में, और उसके बाद में आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, फ़ोटो जो आपने लगाई है उसको आपको कितना रखना है उसके हिसाब से, और स्पीड तेज़ या फिर कम कर सकते हैं वीडियो की, वीडियो को जहाँ से अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ये पार्ट नहीं डालना तो आप वहाँ से उस वीडियो को कट भी कर सकते हैं। और पूरा वीडियो जब आपका एडिट हो जाए उसके बाद आप वीडियो को सेव कर लेंगे जिस भी पिक्सल पे आपको रखना है, मैं सबसे लो वाला यूज़ करती हूँ। उसके बाद में आपका वीडियो जो है वो सेव हो जाएगा। अगर आपकी वीडियो छोटी है तो उसको कम टाइम लगेगा और ज़्यादा बड़ी है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा सेव होने में। सेव होने के बाद आपको अपना वीडियो जो आपकी गैलरी होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी ये वीडियो किया तो ये वीडियो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, और जो ऐप मैं यूज़ करती हूँ वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे इनशॉट है और वीटा है और ये स्क्रीन रिकॉर्डर है जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, डाउनलोड हो जाए, आपकी गैलरी में सेव हो जाए,
तो आप उस वीडियो को पोस्ट कर सकते हो अपने यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब नहीं चलाते, आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, आप तो आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। आपने स्टेटस में लगानी है, जो आपको करना है वो कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से मैं जो अपनी सॉन्ग कवर की वीडियो होती है उसको रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ, और एडिट होने के बाद मैं उसको यूट्यूब पे डालती हूँ। जो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लाइक करते हैं, अगर अच्छी और ज़्यादा अच्छी लगती शेयर करते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 64 सब्सक्राइबर। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, और उस पर क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। If you like the way I edit my video or I make my video, tell me in the comment section. Thanks for watching. I will meet you on my next video. Till then, take care and bye bye. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी रिएक्शन वीडियो का भी वीडियो बनाऊं, कि मैं उसको कैसे एडिट करती हूँ, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी ये रही, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ होगा, फॉलो कर लेना। वीडियो के बिहाइंड द सीन दिखाऊँ तो जल्दी होती है, और मेरे सामने खिड़की होती है जहाँ से लाइट आती है, जिससे हम थोड़े गोरे दिख जाते हैं, और यहाँ कुर्सी आएगी और मम्मी की साड़ी लगेगी यहाँ पर टमाटर के ऊपर, और यहाँ पर मैं एक्सटेंशन कोड लगाऊंगी और यहाँ पे रखूँगी। तो सारा सस्ता मुझे बात आपको दिखाते हैं मेरे जी गाँव के सभी। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, ठीक है, खोलेंगे। जो ख़त्म हो चुका है, मेरे भाई के ईयरफोन थे, मैं उसको वापस लेके आऊँगी, और जो मैंने कचरा किया है, अभी जो मम्मी की साड़ी का सफल आ गया है, ये मुझे समेटनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, इतनी लंबी साड़ी समेटी नहीं जाती मुझसे, और अगर मैंने नहीं समेटी तो मुझे मम्मी से दिक्कत करने वाली है।